और उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में सिंध गवर्नमेंट को कह दिया है कि सिंध हुकूमत शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए फेडरल से रजू करे और सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा ना करें। इस फैसले को पीपल्स पार्टी या सिंध की हुकूमत किस तरह से देख रही है? ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो मानना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन हमेशा हमारे अपोजिशन पार्टीज या मुल्क में किसी किस्म के कोई भी इश्यूज हो उस पर लॉकडाउन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स ये वो करते हैं गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स मनवाने के लिए। ये पहली दफा है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट को यकीनन जैसे बरसात ने बात की कि ये एक कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके कोई डायरेक्शन आनी चाहिए, ये तो फैसला करना है पूरी दुनिया, एक तो देखना पड़ेगा पूरी दुनिया इस वबा को कैसे डील कर रही है, दूसरा ये है कि हमारे डॉक्टर्स हमारे माहिरीन क्या मशवरा दे रहे हैं। हाँ हमारा कारोबार भी अहम है, हमारे लोगों की परेशानियां भी अहम हैं, लेकिन इस वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाए? अगर लॉकडाउन तो खोलना ही था, वबा के कंट्रोल किए बगैर तो बंद क्यों किया गया? सिंध गवर्नमेंट ने पहले स्टेप्स लिए, उसके बाद उस सब स्टेप्स को बाकी गवर्नमेंट्स ने भी फॉलो किया लेकिन बेदली से किया, इस तरह ये हुआ कि मुकम्मल लॉकडाउन हो नहीं पाया। हम एक आम शहरी के हिसाब से आज भी कंफ्यूज हैं कि सुप्रीम कोर्ट को माना जाए, वजीर अजम इमरान खान को माना जाए या WHO के जो गाइडलाइंस हैं उनको माना जाए। इस वबा से खुदा न खासा फैलती है और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेरे कोई वैक्सीन तो है नहीं।